नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का K2S न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में पहली बार कोटा विश्वविद्यालय व राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त श्री मत्स्य जनकल्याण समिति द्वारा श्री मत्स्य महाविद्यालय का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें छात्र छात्राओं को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। छात्राओं को 50% छूट दी जाएगी। आइए देखते हैं मत्स्य महाविद्यालय के निदेशक व प्रिंसिपल का क्या कहना है। देखिए सर, कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संचालित है, तो इसी योजना की मुहिम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि गंगापुर वासियों की अपनी बेटियों को पढ़ाएं और उनको आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में वो अपना परचम लगा सकें। अच्छा है, हमारे कॉलेज में डेकोरम वगैरह भी बहुत अच्छा है और शिक्षा के क्षेत्र में मतलब हमारा जो महाविद्यालय है उसकी कोई ना कोई विशेष उपलब्धि है। और हमारे कॉलेज में जो छात्राएँ हैं उनके लिए फीस में जो है 50% छूट है उनको, ठीक है, और सारी फैसिलिटी है कॉलेज। करौली जिले के हिंडौन सिटी में दुष्कर्म मामले को लेकर सर्व समाज के सैकड़ों लोग नेहरू पार्क में एकत्रित हुए और राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी दुलीप चंद मीणा को ज्ञापन दिया, दुष्कर्म करने वालों को फांसी देने की मांग की। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। एक हिंदू युवती के साथ दुष्कर्म का मामला उजागर हुआ है। तीनों जो दुष्कर्मी हैं वो मौके पर पकड़े गए हैं और हमारी ये मांग है कि हिंडौन में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ब्लैकमेलिंग की, पहले लड़कियों को डरा धमका के फंसाते हैं, फिर उनकी अश्लील वीडियो क्लिपिंग बनाते हैं, फोटो खींचते हैं और बाद में फिर उसको डरा धमका के ब्लैकमेलिंग करके उनके साथ यौन शोषण किया जाता है। इस प्रकार का यह मामला जो उजागर हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस प्रकार की और घटनाएं ना हो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि दुष्कर्मी जो इस समय पुलिस की गिरफ्त में हैं उनको तुरंत उनकी सुनवाई की जाकर उनको फांसी की सजा मिले। और ये थी आज की ताजा खबरें। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं।